कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, मोदी के साथ 23 साल में हुआ पहली बार ऐसा। बीजेपी को अकेले दम पर नहीं मिला बहुमत। क्या देश में फिर शुरू हो सकता है गठबंधन सरकार का दौर? बेअसर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स, मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाई। चुनाव से पहले ही विदेश दौरों को स्वीकार करने वाले नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर है। देश में भले ही एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन बात अब शायद पहले जैसी नहीं होगी। अब पीएम मोदी के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए को 543 में से 293 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 232 सीटें आई हैं। बात अगर बीजेपी की करे तो उसको सिर्फ 240 सीटें मिली है, जबकि उम्मीद 300 पार की थी। बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है, ऐसे में एनडीए के सहारे सरकार तो बन जाएगी, पर अब चुनौतियां भी काफी बढ़ जाएंगी। कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का भी ख्याल रखना होगा। इसके लिए सबकी निगाहें अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधने की कोशिश में है। हालांकि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वे एनडीए के साथ हैं और एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की दिल्ली में बैठक, नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि किस गठबंधन में कितनी पार्टियां शामिल हैं? तो बता दें कि बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल गठबंधन में 41 दल शामिल है। वहीं विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में 37 पार्टियां हैं। इनमें नेशनल पार्टियों सहित राज्यों के स्थानीय दल शामिल हैं। इस लोकसभा चुनाव में सभी छोटे बड़े दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। हालांकि जेजेपी, अकाली दल जैसी कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब देखना होगा कि कौन बनता है प्रधानमंत्री। अब देश की राजनीति में क्या बदलाव होगा, क्या अब सियासी भूचाल आने वाला है? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।